नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो देखते हैं, फ्यूल पंप को रिपेयर करवा लिया और ये कैसे लगाते हैं, इसको ऐसे फिटिंग करते हैं फ्यूल पंप को। टाइमिंग के बारे में मैं आपको इसको फिटिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो देखिए, लगाना इजी होता है, सामने से इसके स्टड है, स्टड में लगा देते हैं। और ये 17 नंबर के जो इसके बोल्ट हैं, नट हैं, वो लगा रहा हूँ मैं हाथ से। वीडियो लंबा इसलिए स्पीड बढ़ा दी मैंने, और आगे से मैंने कस दिया थोड़ा, यानी कि अटका दिया, फ्यूल पंप गिरे नहीं नीचे। और आगे से इसके जैसे 13 नंबर के बोल्ट खोले थे वैसे ही लगाएंगे वापस। कपड़ा इसलिए लगा रहे हैं कि नीचे अगर टाइमिंग कवर में चला गया तो पूरा टाइमिंग कवर खोलना पड़ेगा, गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा। तो सामने दिख रहे हैं आपको जो होल, इनमें आसानी से हाथ से कस लेंगे इनको और फिर टाइट कर लेंगे ईजिली पोजीशन पे लेके। ये देखिए, पीछे के बोल्ट लगाना और कसना दोनों ही बहुत टिपिकल है, तो काफ़ी दिमाग से और काफ़ी ही एडजस्ट करके लगाया जाता है, बिठाया जाता है। आगे के आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन पीछे के जो इसके नट हैं, कसना बहुत ही कुछ, सिर्फ गोटी से ही जाता है, हाथ जाता नहीं है कुछ बिल्कुल भी। तो ये देखिए, हमने लगाया और इसकी टाइमिंग की पोजीशन मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे कैसे टाइमिंग को रखे। तुम्हारे साथ में लड़का है विजेंद्र, घुमा रहा है जनरेटर को, इंजन को। ये देखिए, ये निशान है टाइमिंग का, ये TDC का है, लेकिन यहाँ टाइमिंग अपना नहीं आएगा, अपने का तो बिफोर TDC पे ही इसको सेट करेंगे। कैसे मैं आपको भी बताऊँगा टाइमिंग इसका, और कैसे इसकी सेटिंग रखनी है, कैसे पोजीशन रखनी है। ये जो टेपिट है लास्ट वाला, ये थोड़ा सा उठा हुआ बॉडी से, और ये दोनों टेपिट लास्ट वाले बिल्कुल फ्री देख रहे हैं आप। और ये डांसिंग पोजीशन आगे वाले, एक टेपिट उठेगा, दूसरा जो दबेगा आगे वाला, वहीं इसकी पोजीशन आ जाएगी। ये देखिए उठ रहा है, और ये दबना चालू हो गया हल्का सा, वहीं छोड़ देंगे इसको, और दोनों को लूज़ देख लेंगे। और यहाँ से टाइमिंग का निशान ले लेंगे आगे से, जो निशान बना हुआ है इसके आगे, देखिए हल्का सा भी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये टेपिट हल्का सा बॉडी से उठा हुआ, और ये बिल्कुल लूज़, और ये सेम टाइमिंग होता है किर्लोस्कर का कोई सा भी हो, टाइमिंग की यही पोजीशन होती है कि लास्ट वाला जो प्लंजर है हल्का सा बॉडी से उठा हुआ और टेपिट लूज, और आगे का जो टाइमिंग है बिफोर TDC वाला, पहले वाला, ये निशान जो ये दिखाएंगे आपको, जूम करके दिखाया तो उसमें फिट कर देंगे, बिल्कुल वही सेटिंग होगी। एग्जैक्ट इंजेक्टर लगाने की तैयारी, ग्रीस लगा के वाशर के, गिर नहीं जाए, ये निशान होता है, यहीं बैठता है, एल्यूमिनियम के हेड होते हैं इसमें, बिल्कुल आसानी से। थोड़ा कचरा रह गया तो कचरा भी साफ़ कर ले, वरना लीकेज हो जाएगा हेड। पेचकस डाल के कपड़ा लगा के और अच्छी तरह देख लें कि कुछ रह नहीं जाए, क्योंकि एल्यूमिनियम का हेड है, टूटने में टाइम नहीं लगेगा। और ग्रीस लगा के वाशर को इसको बिल्कुल चिपका के, ये देखिए, वो बिल्कुल आसानी से फिट कर देंगे इसको, आसानी से चला जाएगा। ये देखिए इंजेक्टर फिट हो गया, इंजेक्टर ऐसे ही फिटिंग होते हैं इसके। और उसके बाद में इसका जो ब्रेकेट होता है, ब्रेकेट लगा देंगे। ये देखिए, इसी से हमने खोला था ब्रेकेट को उल्टा करके, और इस ब्रेकेट को ऐसे लगा देंगे, आराम से कस देंगे इसको 17 नंबर के नट को, ऊपर से इंजेक्टर का पाइप लगा देंगे। तो ऐसे ऐसे करके सबको लगा देंगे। और ये मेन पाइप, इसकी ऑयल प्रेशर पाइप भी चेंज करना ज़रूरी था, मैंने चेंज कर दिए, पुरानी आपको दिखाइए, क्योंकि ये चेंज करना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद में लगती नहीं है, ये बिल्कुल पीछे से लगती है, पूरा खोलना पड़ता है फ्यूल पंप। तो ये नई पाइप मैंने इसमें लगा दिए, और इसको टाइट कर रहे हैं आसानी से। 14 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 10 लगा हुआ, ओरिजिनल कंपनी का है ये, इसलिए। और हमने इसकी रिटर्न पाइप, फ्यूल पाइप की पूरी सेटिंग कर रहे हैं इसमें, स्टार्टिंग की तैयारी। और ये देखिए, हमने लगा दिए इसमें पूरी पाइपिंग, फिटिंग कर दी है पूरी, पाइप लगा दिया, पूरा इसको सेट कर दिया है, टाइमिंग की पोजीशन आपको बता दी है पूरी। अभी कवर अगर लगाएंगे, उससे पहले इंजेक्टरों में क्या है, डीजल पाइप लाइन खाली हो जाती है, किसी भी एयर निकालना ज़रूरी होता है, या तो क्लेंजर से निकाल लें, या बैटरी बिल्कुल सही हो तो अपन एक राउंड, एक दो राउंड लगाएंगे तो भी इसकी एयर निकल जाएगी। देखिए डीजल आ जाएगा इंजेक्टर में, जब तक थोड़ा सा घुमा लें, दिखा डीजल आता हुआ, वहीं इनको टाइट कर देंगे, इनको तो एयर निकल जाएगी। एयर अगर हल्की सी भी रह गई तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, तो एयर निकाल दी हमने, इनको टाइट कर देते हैं इसको।
तो फिर स्टार्ट करते हैं, एक दफ़े देखते हैं पोजीशन स्टार्ट करके। देखिए नीचे के भी टाइट करते हैं और अच्छी तरह टाइट करने हैं इनको, लीकेज ना रह जाए, तो प्रेशर मेंटेन होता है इनमें। और ये इसका बटन टाइट कर दिया और एक बार घुमा के कर देखते होते ही स्टार्ट हो रहा है। हल्का हल बिना है कि डीजल अब चला जाता है इनके हेडो चला के टेस्ट करेंगे इसको, इसका कवर ओवर लगा के तभी बंद कर देते हैं इसको। और उसके बाद में इसके फैन बेल्ट रह गए, वैसे चलाना ज़्यादा नहीं है लेकिन चेक करने के लिए थोड़ा बहुत चला सकते हैं। तो ये फैन बेल्ट सेटिंग है, टेंशनर है, पेचकस डाल के उठा के आ जा सकते हैं। उसका एच में ऐसे ही डलते हैं पेन बेल्ट, आसानी से पेन बेल्ट डाल देंगे इसके पर कर वो। और इसको छोड़ते ही वापस टाइट हो जाएगा ये। और टाइमिंग की पोजीशन मैंने आपको बताई, टाइमिंग कर सकते हैं, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो आप पता कर सकते हैं। ये कवर भी मैंने फिलहाल लगा दिया इसका, ये देखिए क्लिप होती है, क्लिप करके लगा के बिल्कुल फिट कर दिया इसको। और ये देखिए कवर ओवर लगा दिया, अब इसको स्टार्ट करके एक बार चलाएंगे लोड पे, आगे का कवर लगा देंगे भी बाद में। तो मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, कवर भी लगाना बाकी है, जो लगाएंगे सही कर रहा है आपको दूसरा होगा इसका आर पी एम सही आ रहे हैं बिल्कुल निकल के अंदर वोल्टेज हमारी मुख्य काम निकल रहा है, बाकी बिल्कुल सही है कंडीशन। तो दुआ वहाँ की प्रॉब्लम थी बिल्कुल गायब हो चुकी है, चलाएंगे थोड़ा मेरे वीडियो के साथ लाइक और कमेंट जरूर करें, जितना ही नॉलेज है मैं इसको आगे बताऊँ, आप लोगों तक शेयर करें। मेरे वीडियो देखते रहें और लाइक कमेंट जरूर करते रहें। किसी को अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे से मेरे नंबर पर इस पर संपर्क करके कमेंट करके दे सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल जरूरत होगा, धन्यवाद।